सामने क्या है। एक ये सुनिएगा मैं तरफ से चंद्रभान जी। और बहुत ही साधारण गीत लेकिन कीर्तन में आपको सुनने को मिलेगा। क्या बात है। कैसे कैसे हाथ बजा देते हैं यार। रख लो एक गीत आया है। कौन सा? और बहुत ही थोड़ा सा पुराना गीत है लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको ये गीत पसंद आएगा। सुनिए। बिल्कुल आज पुराने गाने ही होंगे। चखना नहीं चलेगा। माता रानी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये भक्त लोग मां को मना रहे हैं लेकिन मन में ख्याल आता रहता है कि आखिर हम मनाएं तो मनाएं मां को कैसे, आखिर भगवान कहां है। तो ये गीत गा रहा हूं, कह रहा हूं, अगर प्रेम से हम है।
जाते हो बेटे वाह। अगर प्रेम से हम बहुत अच्छे खुश क्या बात है खुश रहो बेटा। अगर प्रेम से हम बुलाते रहेंगे अगर प्रेम से हम अगर प्रेम से हम बुलाते रहेंगे वो आते रहे हैं वो आते रहे बुलाते रहेंगे तो वो आते रहे हैं और आते रहेंगे। कहना है कैसे कहां से सैया पे कहां से सैया पे सुंदर बिछोना यहाँ जंगलों में पड़ा आज सोना। वो भगवान कहाँ तो शेष सैया पे सोते थे लेकिन आज हम सबके लिए ही जंगल जंगल में भटके और कुछ पे उन्हें सोना पड़ा। क्या बात है वाह। यहाँ कहाँ शेष सैया पे सुंदर बिछोना यहाँ जंगलों में पड़ा कुछ पे सो यहाँ बेर झूठे वो खाते रहेंगे यहाँ बेर झूठे वो खाते रहेंगे वो आते रहे और आते वो आते रहे आते रहे वो आते रहे आते रहे वो आते रहे हैं और आते रहेंगे। एक टुकड़ा और सुनिएगा। ब्रह्मा वो शंकर जिनका गुणगान ब्रह्मा वो शंकर कर रहे हैं कि करें जिनका गुणगान ब्रह्मा वो शंकर वही वही आए द्वापर में रत्नवान बनकर वही आए द्वापर में रथवान बन कर तो वो अर्जुन के रथ को चलाते रहेंगे वो अर्जुन के रथ को चलाते रहेंगे वो आते रहेंगे वो आते रहेंगे और टुकड़ा सुनेगा। गगन से धरा तक है अधिकार मेरा गगन से धरा तक है अधिकार मेरा बता दो मददगार तेरा वो प्रहलाद का दुख हटाते रहेंगे
वो प्रहलाद का दुख घटाते रहेंगे, वो आते रहे खंडगी सुनेगा और चंद्रभान जी की तरफ से चूंकि 17 तारीख से मेरे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और कहीं कहीं तो मैक ऐसा मिल गया है, यहाँ तो काफी चलो ठीक है, अब कभी कहीं तो ऐसा मैक मिलता है कि पूरी रात बेकार हो जाती है, पूरी रात में हम लोग शहीद हो जाते हैं। बहारों का मौसम न होता सुहाना, अगर तुमसे नजरे अगर तुमसे नजरे मिलाई न होती, अगर तुमसे नजरे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती, अगर तेरे जलवा हो अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती, अगर तेरे नजरे मिलाई न होती मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। कभी हम इस पे एक वंदना गाया करते थे, दो लाइन दादा पढ़ रहा हूँ, पढ़ो गुरु। अगर ममता वाली तुम्हारी न होती, अगर ममता वाली तुम्हारी न होती तो दुनिया में तेरी दुहाई न हो। आपने कहा अगर प्रेम से हम बुलाते रहेंगे वो आते रहे और वो आते रहेंगे, बढ़िया बात है। शिवरी ने बुलाया, शिवरी ने बुलाया, प्रभु और गए। आइए दादाजी, दादाजी को मंच के माध्यम से मैं नमन वंदन करता हूँ। अभी अभी दादा पधारे हैं, सम्माने ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सम्माने पप्पू दादा, अरे वाह अरे वाह, संजय आप्टिकल दादाजी एवं हमारे राकेश वर्मा दादाजी, सभी आ चुके हैं, मैं सभी का नमन वंदन करता हूँ। मोनू भाई चिप्स खाओ। अगर प्रेम से हम बुलाते रहे
रहेंगे अगर प्रेम से हम बुलाते रहेंगे वो आते रहे हैं वो आते रहेंगे आपका की कह रहा दादाजी क्या ये ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच आदरणीय भैया अंशु अवस्थी इटौंजा आपकी तरफ से एक से एक पत्ते मुद्राएं हैं प्रणाम है नमन वंदन है और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संस्थापक आदरणीय सम्मानित दादा श्री राकेश वर्मा जी एवं उनके अध्यक्ष सम्मानित पूजने दादा जी पप्पू शर्मा दादा जी अरे वाह अब ये जो चंद्रभान खड़ा है ये ऑल इंडिया की ही देन है सदेवा निकाले गए और इन्हीं की खोज है जो हमको ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया है मैं दादा जी को बार बार प्रणाम करता हूँ आपका गीत कह रहा है अगर प्रेम से हम बुलाते रहेंगे तो वो आते हैं और वो आते रहेंगे दादा आते हैं और आते रहेंगे शिवरी ने बुलाया इसी प्रकार से आपने कई बातों को दिखाया है और जवाब की तरफ जा रहा हूँ सुनिए इधर बिदुर जी आपने बिदुर का प्रसंग छोड़ा है मैं वहां से ले रहा हूँ इधर बिदुर जी प्रेम के ये भोग हम क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं अरे कच्छ और द्रौपदी सीटे रसी लगाओ नाथ कच्छ और द्रौपदी सीटे रसी लगाओ नाथ और नंगे पांव प्रभु ना आई है तो बतायो फिर और शिवरी जैसे पेर बिदुरानी जैसे साग धरो अरे सेवरी जैसे बेर बिदू रानी जैसे साग धरो तो भाव के भिखारी भोग लगावे न बतायो फेरे भाव के भिखारी भोग लगावे न बतायो फेरे भाव के भिखारी भोग लगावे न बतायो तब मैं कह रहा हूँ क्या कि प्रेम के ये भोग हम लगाते रहेंगे तो वो आते वो खाते रहे हम खिलाते रहेंगे प्रेम के भोग हम लगाते रहेंगे तो खाते रहेंगे हम खिलाते रहेंगे क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं बिदुर जी केला उठा के नीचे फेंक रहे हैं और उसका बकला दे रहे हैं भगवान बकला खा रहे हैं केले के छिलकन खा रहे हैं अरे प्रेम के ये भोग हम लगाते रहेंगे वो खाते रहेंगे हम खिलाते रहेंगे अब देखिए बन बन भटकते रघुराई बन बन भटकते रघुबर जब गंगा तट आए तो केवटी राज से पाव को धुलवाए केवटी राज से पाव को वहाँ भक्त के भाव वहाँ भक्त के भाव अरे भाते रहेंगे वहाँ पर वहाँ भक्त के भाव भाते रहेंगे वो पैर धुलाते हम धुलाते पहले हमसे
सुनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वही केवट, वही केवट सुदामा बना। यहाँ पे पैर इन्होंने धोया, वहाँ पर धोया सुदामा के पैर भगवान ने, वही केवट सुदामा बना। अब दूसरा देखिएगा, अरे पन्न कर नर सिंह प्रभु असुर को मारे और रक्षा कर प्रहलाद का मान बढ़ाए। दुष्ट हर दम हरी मिटाते रहेंगे, दुष्ट हर दम हरी मिटाते रहेंगे, दुष्ट आते रहे तो देव आते रहेंगे। अगर असुर आएंगे तो भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। वो खाते रहे तो हम खिलाते रहेंगे, आपके गीत का यथासंभव जो बन पाया वो जवाब। एक गीत दादाजी मैं और दे रहा हूँ, हमारे यज्ञसैनी दादाजी बैठे हुए हैं, संजय आपटिकल दादाजी एवं पप्पू शर्मा दादाजी बैठे हुए हैं, राकेश वर्मा दादाजी बैठे हैं, ऑल इंडिया कीर्तन विचार समझ लीजिए एक सबसे पूरा बैठा हुआ है जो अपना ही परिवार है। एक गीत दे रहा हूँ दादाजी, अब आप लोग आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा गीत दूं। आज कई दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे दादाजी जानते हैं तो कितना संभाला जाए ये बड़ा मुश्किल होता है। कहीं कहीं तो दादा ऐसा माइक मिला है, आपने पूछा होगा शायद विनय भैया से, ऐसा माइक मिला है कि रामे जाने। हाँ, देहात के माइक आप जानते ही हो। एक गीत मैं दे रहा हूँ,